विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। पुष्पदंत। शुष्य सुखेशु कालेशु त्यागो अमृत निर्झरा कहाँ सीखा तुमने, कहाँ सीखा तुमने, किसने बताया तुम्हें? शांत क्यों हो पुष्पदंत, उत्तर दो सभी को। द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था। एकांत में दंपति की वार्तालाप को गुप्त रूप से सुनना पिशाचों का आचरण है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच बन जाओ, कि तुम पिशाच बन जाओ। तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। श्री प्रभु महादेव का ऐसा क्रोध सुना भर था, अवश्य पुष्पदंत जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस प्रकार तो एकमात्र कामदेव पर बरसा था प्रभु का क्रोध। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए, और पाप हुआ है उनसे, मैं जानती हूँ क्षमा योग्य नहीं है वो, किंतु प्रथम भूल थी उनकी, इसलिए हे दया निधान क्षमा कर दीजिए उन्हें, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपका निश्चल निर्मल स्वभाव सबकी हंसी और प्रसन्नता का कारण था, इसी बात पर मुझे आप पर क्रोध भी आता था और हंसी भी, पर अब जब आप चले गए हैं तो मेरी हंसी भी आपके साथ चली जाएगी, एकमात्र आप ही तो थे स्वामी, मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले, अब आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी। भृंगी जी, तोता जी, भृंगी जी सुनिए ना, रुक जाइए, आप तो उन्हें जानते थे ना, ऐसा घोर पाप को समान स्थिति में कर सकते थे क्या? नहीं ना, आप बोलिए ना प्रभु से कि उन्हें क्षमा कर दें, मेरे स्वामी को क्षमा कर दें, कहिए ना। देवी, मैं दानता भी हूँ और तमत्ता भी हूँ, किंतु प्रभु क्रोधाग्नि के आगे नहीं कर सकता। क्षमा करे देवी, महादेव के क्रोधित अवस्था में उनके सामने जाने का मैं साहस भी नहीं कर सकता, और कैलाश में कोई अन्य भी
उनके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं करेगा। देवी पार्वती, प्रभु उन पे क्रोध नहीं करेंगे। एकमात्र देवी पार्वती पर ही मेरी आस है, वही मेरी सहायता कर सकती है। मेरे पति किस अवस्था में होंगे ये ज्ञात नहीं मुझे। कैसी अभागन हूं मैं। हे जगत जननी, दया कीजिए मुझ पर। महादेव का क्रोध आप ही शांत करा सकती हैं। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए माता। महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। मेरे स्वामी को क्षमा दान दिला दीजिए। महादेव न तो दंड देते हैं और न ही क्षमा, वो तो केवल कर्मों का फल देते हैं। और कर्मों का फल तो व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। तो इस कर्म की दोषी तो मैं हुई। ना मैं उन पर श्रेष्ठता प्रमाणित करने का दबाव डालती और ना वो कुछ ऐसा करते। तो दंड तो मुझे मिलना चाहिए माँ, मुझे मिलना चाहिए। सखी जया, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है। और जो पाप पुष्पदंत ने किया है उससे महादेव अत्यंत कुपित हैं। और ऐसे में यदि मैंने उनसे कुछ भी कहा तो उनका क्रोधांक कहीं मुझे ही भस्म ना कर दे। कहाँ जाइए भागन, किससे गुहार लगाए। गणेश जी। मौसी, जिस प्रकार आज आपने अपना भोजन मुझे देकर अपना आनंद बांटा है, वैसे ही एक दिन मैं आपसे आपका दुख बांटूंगा। विघ्नहर्ता है वो, उन्होंने वचन दिया था मुझे, तो वो मेरे और मेरे स्वामी के विघ्न को भी अवश्य दूर करेंगे। वो उन्हें पिशाच रूप में नहीं रहने देंगे। क्षमा करना सखी, तुमने पुत्र गणेश से आस लगाई है, किंतु अब वो चाहकर भी पुष्प दंत को पिशाच योनि से नहीं लौटा सकेगा। हे पार्वती नंदन, हे गणेश जी, कैलाश में मेरी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब आप ही मेरी अंतिम आस हैं। मुझे निराश मत कीजिए। किंतु मौसी, मैं जानती हूँ उनसे पाप हुआ है, पर वो पाप का कारण मैं हूँ। यदि मैं उन पर क्रोध नहीं करती और उनसे बात करती तो वो कदापि ऐसा पाप नहीं करते। और अब तो उनसे तभी बात कर पाऊंगी जब आपकी कृपा होगी। किंतु मौसी, कृपा कीजिए गजानन, माता पार्वती ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। जब माता ने सहायता नहीं की तो मैं कैसे। संसार के विघ्नहर्ता हैं आप, फिर भी आपके मुख से ना सुन रही हूँ। नहीं नहीं विघ्नहर्ता, अपनी मौसी का विघ्न नहीं हरेंगे आप। आपने तो कहा था मौसी का अर्थ है मासी, क्या अपनी माँ की सहायता नहीं करेंगे आप। मेरे वश में होता तो मैं अवश्य सहायता करता, किंतु भी सहायता लेनी पड़ रही है आपको। गजानन, आपने मुझे वचन दिया था, याद है आपको, कि आप मेरे दुख में मेरी सहायता करेंगे। तो क्या आप अपना वचन नहीं निभाएंगे, मेरे कठिन समय में मेरा साथ नहीं देंगे। बोलिए गणेश जी, कुछ तो बोलिए। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है, या आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, अन्यथा मुझे मौसी कहना छोड़ दीजिए। Oh, my God.
मौसी। चिंता मत कीजिए मौसी, पुत्र का वचन व्यर्थ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। पिता श्री प्रभु महादेव से स्वयं याचना करूंगा। आपकी पीड़ा बांटने का वचन दिया था मैंने, इसीलिए अब मैं एक और वचन देता हूँ। आपके पति पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से अवश्य लौटा कर लाऊंगा। फिर भले ही इसके लिए मुझे पिताश्री के क्रोध का ही सामना क्यों ना करना पड़े। पुत्र गणेश, अभी स्वामी का ध्यान भंग करना उचित नहीं। किंतु मैं मौसी को दिया वचन भंग नहीं कर सकता माता। स्वामी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। पिताश्री को कदाचित मेरे आगमन और उद्देश्य दोनों का ही आभास हो गया। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं वो। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं। स्वामी ऋषि मार्तंडे के स्वागत के लिए उठे हैं, पुत्र गणेश को दंडित करने के लिए नहीं। प्रणाम माता। हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। नहीं ऋषिवर, आप जैसे भक्त तो मेरे हृदय के निकट होने चाहिए। अद्भुत, मैंने पिताश्री को कभी किसी भक्त का ऐसा स्वागत करते नहीं देखा। मैं धन्य हो गया प्रभु। आपका स्वागत है कैलाश में। स्वयं अपने हाथों से आसन बिछा रहे हैं प्रभु। भक्त और भगवान का ऐसा अनूठा मिलन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ पुत्र, जो भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय है, उनके स्वागत के लिए इतना ही सम्मान करते हैं भोलेनाथ। प्रिय, ऋषि मार्कंडे पधारे हैं, पकवान और फल से इनका स्वागत कीजिए। भक्ति भाव से यहाँ आया हूँ प्रभु, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रिय कर्म है। अपने आराध्य अपने भगवान से सेवा करवाना नहीं। आनंद तो सेवा में ही है ना ऋषिवर, जो भक्त उसके योग्य हो उसकी सेवा में भगवान को भी परमानंद की प्राप्ति होती है। मुझे इस आनंद का अनुभव करने दीजिए प्रिय भक्त मार्कंडे। लीजिए स्वामी। नहीं प्रभु। अपने भक्त को अपनी मर्यादा में रहने दीजिए प्रभु।
आपने मुझे अपने हाथों से खाने ही कहां दिया? हाथ तो मुझे आपके धुलवाने चाहिए। मैं धन्य हुआ प्रभु, अब अपने इस भक्त को अपने भगवान की सेवा का परम आनंद प्राप्त करने दीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रभु, आपकी भक्ति में ही आनंद है। भक्ति की मर्यादा भंग कर कैसी भूल कर दी स्वामी ने कि उनके ही आराध्य ने अपने परम भक्त को स्वयं से दूर कर दिया। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, एक भक्त को जब आपकी इतनी कृपा प्राप्त हो सकती है तो क्या दूसरे भक्त को उसकी भूल के लिए क्षमादान नहीं मिल सकता? पार्वती नंदन की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, उन्हें अपने क्रोध का भागी नहीं बनाइएगा। बोलिए ना पिताश्री, भूल स्वीकार करने वाला क्या क्षमा का पात्र नहीं? किसी महापापी को भी सुधरने का एक अवसर मिलता है पिताश्री, तो फिर एक भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता? उचित है पिताश्री, कम से कम इतना बताने की तो कृपा कीजिए, कैसे क्षमा मिलेगी उन्हें? आपके शाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं वो? उनके प्रायश्चित का कोई तो उपाय होगा। प्रायश्चित? जिसे मर्यादा का ज्ञान ही नहीं वो भला क्या प्रायश्चित करेगा? जो भक्त मर्यादा का महत्व समझता है उसका महत्व भगवान से कहीं अधिक होता है। ऐसे महान भक्तों पर भगवान स्वयं न्योछावर रहते हैं, और जो भक्त मर्यादा को भूल जाए वो भक्त ही नहीं कहलाया जा सकता। एक और भक्त मार्कंडे हैं जिन्होंने स्वयं मुझसे सत्कार पा करके अपनी मर्यादा नहीं भूली, और दूसरी ओर वो है जो एक पद की मर्यादा भी नहीं निभा सका। किंतु गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। गणेश, पुष्पदंत को कुछ सिखाना ही है तो भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाओ उसे। गणेश जी, आपने प्रयास किया ये मेरे लिए बहुत है, किंतु आप निराश मत होइए। निराश नहीं हूँ, पिताश्री के वचनों ने मेरी आशा जगा दी है। बस ये सोच रहा हूँ उनके बताए उपाय पर कैसे चलूं। उपाय? कैसा उपाय?
प्रायश्चित का उपाय, सच्ची भक्ति और उसकी मर्यादा समझने का उपाय जो पिताश्री ने मुझे उन्हें सिखाने को कहा है। मेरे ऐसा करते ही मुझे विश्वास है प्रभु महादेव पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का भी उपाय अवश्य सुझाएंगे, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे पुष्पदंत जी को ढूंढना होगा। वो कहाँ होंगे? किंतु अब वो पुष्पदंत नहीं जिनको हम जानते हैं, अब तो वो एक पिशाच है। जीवन में यदि मर्यादा का संस्कार ना हो तो पतन निश्चित है।